This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्तवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। अपने घरों की उम्मीद लगाए बैठे खरीदारों को सालों से नहीं मिल रहे हैं घर। अनुचित करार और देरी और परेशान खरीदारों के पास क्या है विकल्प। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और बेंगलुरु में प्रॉपर्टी का क्या है हाल, देखेंगे क्रिसिल की क्रेस्ट रेटिंग। जो हाल प्रॉपर्टी बाजार का आजकल है उसमें हर खरीदार मानसिक तौर पर थोड़ी देरी के लिए अपने आप को तैयार करके रखता है, लेकिन आखिर वो करे क्या अगर इस देरी का कोई अंत ही ना नजर आए और अपने मकान का कब्जा मिलने की उम्मीद दिन ब दिन कम होती जाए। हमारी संवाददाता अंकिता सिन्हा ने डीबी रियल्टी के ओजोन में पैसा लगाने वाले कुछ ऐसे ही खरीदारों से बात की। जिग्नेशा ने अपने जीवन भर की बचत लगाकर 2008 में डीबी रियल्टी के ओजोन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक करवाया। बताया गया कि 565 वर्ग फुट का एक बीएचके का फ्लैट 2012 में उनको मिल जाएगा। अब तक वो 95% तक भुगतान कर चुकी हैं और कब्जे की तारीख से 3 साल ज्यादा इंतजार भी कर चुकी हैं, लेकिन घर कब मिलेगा ये पता नहीं है। We are 3600 flat owners in totality and अभी हम उनके पास गए, कुल 3600 फ्लैट मालिक हैं जो एक साथ आए हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि कुछ समय लगेगा, लेकिन कब्जा कब मिलेगा इस बारे में ठीक से नहीं बता रहे हैं। But there is no constructive and a proper reply from them on the dates and the possession timing. इनकी तरह 3600 फ्लैट मालिक अपने घरों का इंतजार करते करते थक चुके हैं। हालांकि जिग्नेशा को देरी से कब्जा मिलने की शिकायत है, किरण की समस्या और भी गंभीर है। 16 जून को उन्हें फ्लैट की बुकिंग रद्द करने का नोटिस मिला क्योंकि उन्हें अपनी किस्त देने में एक हफ्ते की देरी हो गई थी। अब विकास और दूसरे शुल्क मिलाकर उनसे 8 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं। किरण का कहना है कि ये शर्त उन्हें पहले कभी नहीं बताई गई। जब मैं डीबी ऑफिस गया तो उन्होंने तुरंत टर्मिनेशन लेटर देते हुए कागज पर साइन करने को कहा, लेकिन मुझे एक अतिरिक्त शर्त दिखी। उसमें लिखा है 1000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से कारपेट एरिया बढ़ाया गया है। फीट ऑफ द कारपेट एरिया दैट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी 8 to 9 lakhs ऑफ द एडिशनल वैल्यू। सो एंड इवन आई आस्क्ड फॉर दैट कॉपी सो दैट आई कैन टेक माय ओपिनियन थ्रू लीगली और इवन टू गो फॉर द बैंक बट दे स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। अलॉटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा है कि हमारे अधिकारों को हानि पहुंचाए बिना अगर किसी की किस्त का समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो नियत तारीख से लेकर भुगतान देने की तारीख तक 21% प्रतिवर्ष के आधार पर ब्याज लिया जाएगा। इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। कई और लोग भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं। हमने डीबी रियलिटी से जवाब मांगा तो उन्होंने हमें बताया कि अतिरिक्त शुल्क के बारे में हम पहले तो उस सुझाव का खंडन करना चाहेंगे कि हम करार खत्म करके उन अतिरिक्त शुल्क की वसूली कर रहे हैं जो करार में नहीं थी। देरी के कई कारणों में एक ये भी है कि कई ग्राहकों ने लगातार भुगतान में देरी की है। करार के तहत ग्राहकों को मुनासिब मौके देने के बाद हमने उपलब्ध उपाय किए। ग्राहकों का सारा भुगतान उनके साथ किए गए करार के दायरे में आता है। कब्जे में होने वाली देरी के बारे में डीबी रियलिटी ने हमें मेल के जरिए बताया कि
डीबी ओजोन प्रोजेक्ट में देरी होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें प्रक्रिया और नियामक मामले भी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। वैसे हमने ये सारे मामले सुलझा लिए हैं और कोई अनदेखी घटना नहीं हुई तो प्रोजेक्ट सौंपने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने अपने ग्राहकों को मौजूदा स्थिति के और देरी के कारणों के बारे में बता दिया है, बल्कि पारदर्शिता की भावना को देखते हुए हमने सक्रियता से अपने ग्राहकों के साथ संपर्क बनाया और उन्हें हर महीने के आधार पर निगरानी करने का न्योता दिया। तो अब डीबी ओजोन प्रोजेक्ट में बुकिंग करा चुके लोगों के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो कब्जा मिलने का इंतजार करें या फिर कानूनी कार्रवाई करें। The builder has promised you that within 2 years, if the MOFA के Schedule 5 के registered agreement में कब्जे की तारीख हमेशा लिखी होती है, यानी builder का वो वादा है। अगर ऐसा नहीं है, तो 2 साल में कब्जे दे देना चाहिए। हालांकि दक्षिण मुंबई में डीबी रियलिटी के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पटरी पर हैं, लेकिन डीबी ओजोन के खरीदारों को अब भी नहीं पता कि वो अपने घरों में कब रहेंगे। मुंबई से अंकिता सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV। तो आखिर कितनी बड़ी परेशानी होती है जब मकान आपको नहीं मिलता है और इसमें क्या कानूनी पचड़े पड़ते हैं, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनय सिंह, जो कि फाउंडर एंड ओनर है विनय सिंह एंड एसोसिएट्स के और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही हमारे साथ है जिग्नेशा भंसाली, जो कि फ्लैट ओनर है और जिनकी कहानी आपने यहाँ देखी भी। जिग्नेशा, शुरुआत आपसे करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि एक नाउमीदी जो हाथ आती है जब मकान नहीं मिलता है, वो तो एक तरफ है ही, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थिक तौर पर किस तरह की परेशानियां आपको हुई क्योंकि आप अपने मकान में नहीं रह पाई, और साथ ही में एक मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर भी क्या क्या आपको परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। अंजलि, सबसे बड़ी बात पहले मैं ये बता देती हूँ, ज्योग्राफिकली ये जो डीबी रियल्टी का प्रोजेक्ट है वो दहीसर में है। अभी दहीसर हम जब बताते हैं वो बॉम्बे का लिमिट्स क्रॉस करके है, वंस यू क्रॉस द टोल नाका वहाँ पर आता है ये प्रोजेक्ट। सो एकदम सामान्य मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर आप देखने जाओगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट है अबाउट 3600 फ्लैट ओनर्स का। तो सबसे बड़ी बात है कि 3600 फ्लैट ओनर्स अभी इतने बुरे तरीके से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये 3 फेज़ में प्रोजेक्ट रोल आउट होने वाला था। सो अकॉर्डिंग टू दैट बाई 2015 लेटेस्ट फर्स्ट फेज को पोजेशन मिल जानी चाहिए थी, पर ये दूर दूर तक कहीं पर भी दिखाई, मतलब नज़र नहीं आ रहा है। उन लोगों के बारे में आप सोचिए जिन्होंने अपना EMI भरना शुरू कर दिया है, जो रेंटल्स पे रह रहे हैं और जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका फ्लैट उनको कभी ना कभी मिलेगा। सो उन लोगों की परेशानी अगर हम देखते हैं, जैसे मुझे, मैंने खुद का ये फ्लैट, मेरा पहला फ्लैट था, सो मैं रियली इसको लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि एटलीस्ट बाई 2015 तक मुझे इसका पोजेशन मिल जाए तो मैं, मतलब मेरी काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी इससे। जी, तो उम्मीद तो काफ़ी लगा के लोग बैठते हैं और जाहिर तौर पर जब ये उम्मीद टूटती है तो बड़ा बहुत कष्ट तो होता ही, और जाहिर तौर पर कई कानूनी पचड़े भी इसके साथ होते हैं। तो विनय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इनके सामने क्या विकल्प रह जाता है, क्योंकि जब हम स्टोरी देख रहे थे तो उसमें पता चल रहा था कि सिर्फ देरी का मुद्दा नहीं है, ज़्यादा पैसे मांगने का मुद्दा है, लेकिन कंपनी यहाँ कुछ और ही कह रही है। उसका जवाब यह है कि नहीं, हमारी जो देरी हो रही है वो खुद ग्राहकों की गलती है क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहे वक्त पर। इस पर आप क्या राय देंगे? मैं नहीं समझता हूँ ये सच है। हाँ, ज़रूर ये हो सकता है कि कोई चंद ग्राहकों ने पैसे नहीं दिए हों, लेकिन ज़्यादातर कोई ग्राहक ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि वो पैसे वक्त पर नहीं दे वगैरह, तो मैं तो नहीं समझता हूँ ये सही है। डिले हाँ हुआ है, अब उसके डिले के लिए क्या कॉम्पेंसेशन होनी चाहिए वो तो जो बिल्डर और बायर के बीच में एग्रीमेंट है वो तय करेगी। उससे ज़्यादा कोई ग्राहक को चाहिए तो फिर उनको कंज्यूमर फोरम के पास जाना होगा। जहाँ तक ये एक्सेस पैसे का डिमांड है, ये बहुत ही अजीब ही चीज़ है कि बिल्डर सबसे 10, 11, 9 लाख रुपए वसूल करना चाहता है कोई इंफ्रा चार्ज के नाम पर, जो कहाँ भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है, कोई ग्राहक ने एग्री नहीं किया है। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि हर किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है इन फ्लैट बायर्स के ऊपर कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो, जिनकी एग्रीमेंट नहीं बनी है तो एग्रीमेंट ही नहीं साइन होगी, जिनकी हो गई है तो कोई बायर्स की एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दी गई है। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, एक तरीके का एक्सटॉर्शन ही हो गया
कि भाई आपके माथे पर बंदूक रख दी गई है कि या तो आप पैसे दीजिए या तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप भुगतिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी इनको अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इनको कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। कंज्यूमर फोरम के दरवाजे खुले हैं, तो पहले सबसे पहले मैं समझता हूँ उनको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ एक्शन लेनी चाहिए कि हमें कॉम्पेंसेशन भी मिले डिले के लिए, और जो ये एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं ये पैसे या तो नहीं वसूल करें और जहाँ वसूल कर लिए हैं वो लौटा दिए जाएँ, नंबर वन। नंबर टू, एक आप कॉम्पिटिशन कमीशन के पास भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो ज्योग्राफिकल एरिया में अगर वो डोमिनेंट प्लेयर कहलाता है तो CCI भी एक्शन ले सकती है, और हमने देखा है कि DLF जैसे बड़े बिल्डर को भी 650 करोड़ की पेनल्टी लगा चुकी है CCI। तो ये भी मैं समझता हूँ एक अच्छा एवेन्यू है एक्सप्लोर करने के लिए कि इनको ये जो फ्लैट बायर्स हैं इनको जस्टिस मिले और कॉम्पेंसेशन मिले। जी, यहाँ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी विनय, वो ये कि आपने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट CCI ये ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने देखा है कि DLF में भी हुआ, फैसला आता है, अपील होती है, वक्त गुजरता चला जाता है, बायर के हाथ कुछ नहीं लगता। कितना ज़रूरी ऐसे में है कि रेगुलेटर आए और इसमें रिड्रेसल का कोई ना कोई तरीका हो, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बायर के हाथ में या उसके पलड़े में कुछ है जिससे वो बेनिफिट कर सके। ये बात सच है कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरी है, तो इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, स्पीड लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ग्राहक के सामने यही प्रॉब्लम होता है कि भाई अगर मैं लीगल एक्शन लूँ तो ये चीज़ 7-8-10 साल चलती रहेगी। बिल्डर के लिए तो ये बिजनेस है, हमारे लिए तो ये शायद ज़िंदगी का ओनली इंस्टेंस है जहां हम फ्लैट खरीदेंगे, या शायद पहला नहीं तो दूसरा होगा। तो ये इशू रहता ही है, और जब तक रेगुलेटर आए एक बात है, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट उस तरीके से हो कि आपको जस्टिस एकदम क्विकली मिले, डिसीजंस फास्ट हो, तब जाके इसका कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। जी, तो जिग्नेशा यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब आपके सामने ये ऑप्शन रखा जाता है, आपसे कहा जाता है चलिए आप इसे लेकर के कानून के दरवाजे तक जाएं, वहाँ खटखटाएं, कानूनी लड़ाई लड़ें, तो मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि ज़्यादातर लोग उसमें पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो एक लंबी लड़ाई लड़ने से डर रहे हैं। आप क्या, आप एक आम ग्राहक होते हुए आपके दिमाग में क्या आता है? अंजलि, मैं ये बताना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई मेंशन, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन है जिस जगह पे ये सिलेक्ट DB रियल्टी का प्रोजेक्ट है, वो लोग काफ़ी सामान्य है, मतलब दे आर सो एवरेज पीपल के उनके लिए अपना डे टू डे काम है वो छोड़ के आना, आई मीन इट्स सच अ प्रैक्टिकल थिंग कि अगर उनको लीगल बैटल भी अगर फाइट करना है, डेफिनेटली वी वांट टू डू दैट, बकर क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही है एंड हमें जुडिशरी में पूरा कॉन्फिडेंस है कि सूनर और लेटर हमें इसका जस्टिस मिलेगा। बट द पॉइंट इज़ कि बाय द टाइम वो आए और लोग इकट्ठे हो, उसको कितना टाइम लग जाएगा वो थोड़ा इनडेफिनेट है, और ऑल्सो बिकॉज वी नो दैट रियलिटी में अभी तक अपने कोई भी इतने स्टैंडर्ड नॉर्म्स हुए नहीं है, इट इज़ स्टिल अ लिटिल अनऑर्गनाइज सेक्टर, सो पीपल कैन ईजिली गेट लाइक यू नो स्कॉट फ्री फ्रॉम जो भी हो रहा है, एंड बिल्डर्स लोगों को लूप होल्स पता भी होते हैं, सो इट मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कस्टमर्स के वो अपना जस्टिस टाइम पे उनको मिल सके। जी, हाल के दिनों में हमने कुछ अच्छे फैसले हालांकि देखे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मामले कंज्यूमर कोर्ट्स के सामने जाते हैं वो इन्हीं मामलों से जुड़े हुए होते हैं, रियल इस्टेट के ही होते हैं, लेकिन नाउमीदी ही ज़्यादातर लोगों के हाथ अभी लग रही है। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिग्नेशा, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई आगे परवान चढ़ेगी और आप लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा, शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब, आप कहीं जाइएगा नहीं।